जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज मेरे साथ धीरज कुमार मिश्रा है। ये बिहार के अररिया जिला का रहने वाला है और इसका अभी जस्ट चयन रेलवे एनटीपीसी लेवल 5 में सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आरआर लेवल 5 का ये पोस्ट है और आरआरबी मालदा के अंतर्गत इसका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की तरफ से ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म के यहाँ के फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम दिनों में इसको सफलता मिली है, तो सबसे पहले तो चूंकि 2023 में अच्छा खासा वैकेंसी आना है रेलवे के अंतर्गत, तो हम इनके धीरज के जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रेलवे की तैयारी किए, क्या क्या दिक्कतें महसूस हुई, और जो स्टूडेंट इस बार का टारगेट रखता है 2023 का, तो उसको भी थोड़ा सा तैयारी के लिए रणनीति अपना बताना है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो 2023 ये अपना सफर किस तरीके से तय करके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा इसे डिटेल जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम सर और धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरे पढ़ाई के अलावा भी बहुत इकोनॉमिक तरीके से भी बहुत हेल्प किया है मेरा। और सर मैं बताना चाहता हूँ, पहला मैंने ग्रेजुएशन किया था पटना यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश लिटरेचर था मेरा, तो 3 साल हम सर लिटरेचर ही पढ़ रहे थे, 15 से 18 मेरा सेशन था। तो 18 मेरा जब कंप्लीट हुआ तो लगभग 18 खत्म हो चुका था, 19 का शुरुआत था, उसी टाइम ये फॉर्म आया एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों का। तो फॉर्म आने के टाइम तो मुझे पता ही नहीं था सर इसमें पोस्ट क्या होता है, लेवल क्या होता है, और उसका पूरा कुछ कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी फॉर्म फिलअप करना था। तो हुआ क्या, फॉर्म फिलअप करने के बाद, और उस टाइम में कॉम्पिटिटिव का तैयारी भी ठीक नहीं था, और एक्चुअली था ही नहीं क्योंकि ग्रेजुएशन ही कर रहे थे खास करके। इसके बाद तैयारी के लिए फिर तैयारी शुरू किए क्योंकि फॉर्म भर दिए थे, सोचे एग्ज़ाम हो जाएगा, और कुछ दिन हुआ तैयारी करते करते, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद फिर यहाँ आए सर, और प्लेटफॉर्म का नाम और नवीन सर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था हमको, बहुत ज़्यादा, कि सोचे थे कि तैयारी अगर रेलवे का करेंगे तो प्लेटफॉर्म का ही, प्लेटफॉर्म में ही आएंगे। मेरा मैथ्स और इंग्लिश तो मेरा लिटरेचर था तो वो ठीक था, तो सीजीएल दिए थे सर, 2-3 बार सीजीएल दिए हैं और मेंस दिए 3 बार, लेकिन हुआ नहीं सर, उसमें नहीं हो पाए। तो रेलवे का एग्ज़ाम आया, प्री दिए और अच्छा खासा मार्क्स आ गया सर। वैसे कट ऑफ तो पहली बार 92 चला गया था, मार्क्स सही था, 94 था मेरा सर CBT 1 में, तो उसमें वो तो क्लियर हो गया। इसके बाद फिर यहाँ का खास करके प्लेटफॉर्म का बैच जब आया तो मेरा सर, मेरे दोस्त बोलते थे कि तुम्हारा तो सोना जगना भी प्लेटफॉर्म में ही होता होगा, क्योंकि हम रूम पे कम प्लेटफॉर्म में ज़्यादा दिखते थे सुबह से लेकर। यहाँ का सेट का तो बात ही अलग है सर, सेट तो हम कोई भी छोड़े ही नहीं यहाँ का। मॉर्निंग शुरू से लगाने आते थे सेट मैथ्स का, फिर रीजनिंग का, फिर साइंस का, और फिर जीके का, 4 सेट तो मेरा फिक्स था, अगर खाना भी नहीं खाएंगे लेकिन सेट जरूर लगाएंगे। तो ये सेट लगाने के बाद सबसे खास बात होता है सर कि उस क्वेश्चन पे कितना पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप से आने लगा था और थोड़ा सा घुमा भी दिया था क्वेश्चन उस टाइम में, लेकिन यहाँ हम कंटिन्यू थे, तो जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है उसी तरह यहाँ का सेट का पैटर्न होता है। और यहाँ का, और हम बैच यहाँ शुरू से थे तो पहले से पढ़े हुए थे किस तरह से कैसा ट्रिक रहता है, कौन सा क्वेश्चन में किस तरह ट्रिक लगाना है, रीजनिंग में कैसा लगाना है, मैथ्स में सर रोशन सर से, रीजनिंग में अमित सर से, साइंस में शशांक सर भी थे, आशीष सर थे, इसके बाद फिर सहनसा सर थे, बहुत सारे, मतलब लगभग यहाँ फ्रेंडली हो चुके थे हम सारे टीचर से लगभग, और सर तो नवीन सर तो जानते ही थे पहले से ही। और इसके बाद फिर प्रिपरेशन इसी तरह चलता रहा, और ऊपर वाले की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से सारे लेवल पे मेरा मार्क्स अच्छा था और लेवल 5 में भी सिलेक्शन हो गया, UR से सिलेक्शन हो गया, और रैंक अच्छा रैंक है मेरा, और रैंक देख के ही, और जब वहाँ सर एक वेरिफिकेशन का बात बताना चाहते थे, मेरा DV 26 को था, तो DV पहले होता है जो शायद वो नीचे के लोग करते हैं, 3 लोग पहले DV किए, और इसके बाद फिर तो बैठने बोले, बैठने के बाद फिर शाम में जब चेयरमैन आए और सेक्रेटरी आए तब बुलाया गया, तो DV में गए तो मेरा जो डिग्री सर्टिफिकेट है उस पर BN कॉलेज लिखा हुआ है और फुल फॉर्म नहीं है कहीं पे भी, तो BN कॉलेज लिखा हुआ था, तो वो सर देख के ही बोलते हैं, क्या BN कॉलेज का फुल फॉर्म बिहार नेशनल कॉलेज क्या, बोले हाँ सर।
तो बोले कि 1988 में हम वहीं से ग्रेजुएट हैं, तुम्हारे ही कॉलेज से, साइंस से, और जो सेक्रेटरी थे। और तो बोलने लगे, सर आप पटना से थे? तो बोले हाँ। तो बोले सर, पूछने लगे कहाँ से, कुछ सेट वगैरह तैयारी वगैरह करते थे ना? तो बोले हाँ सर करते तो थे। बोले कौन से कोचिंग से? हम बोले सर प्लेटफॉर्म एक कोचिंग है सर, रेलवे के लिए बहुत फेमस है। बोले उसको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, प्लेटफॉर्म का मतलब आप कहीं भी एक। बोले सर वो एक इंसिडेंट बता रहे थे कि कोलकाता बोर्ड में एक फ़ोन किए थे उनके फ्रेंड, बोले कि यार यहाँ तो पटना से ही बहुत सारा स्टूडेंट आ रहा है सारे पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर, सीनियर सीसीटीसी, गुड्स गार्ड, सब के लिए। तो ये इंसिडेंट सर बहुत प्राउड हुआ कि हम प्लेटफॉर्म से शुरू से जुड़े हुए थे और सर से हमेशा बात करते रहते थे, डीवी में जाने से पहले भी आए तब भी बात किए, पिक्चर वगैरह सेंड करते रहते थे, तो बहुत अच्छा लगा। और सर पूछ रहे थे एक बात, बात में ही उसी सर से पूछे कि सर वैकेंसी इतना लेट होता है सर रेलवे का, 4 साल लग जाता है। तो बोले नहीं 4 साल लगा, ये कोरोना के कारण लगा, लेकिन अब जो है अभी वैकेंसी नया आने वाला है और अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। अभी सीट बहुत सारा आप देखे होंगे सर, नया RTI में 3 लाख सीट वैकेंट था, तो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी हर एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक के लिए आने वाला है, ग्रुप डी के लिए आने वाला है, ELP के लिए आने वाला है, NTPC भी आने वाला है। तो नया प्रिपरेशन के लिए यहाँ का जो फाउंडेशन है, जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं वो अभी से कर सकते हैं तैयारी, और बहुत सब एकदम एक्सपर्ट एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे यहाँ पे। और टीचर से ज़्यादा आप सर पे भरोसा कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, एक बार सर का एक क्वालिटी हमको बहुत पसंद है कि अगर 200 स्टूडेंट का बैच है और एक स्टूडेंट भी आके सर से कुछ भी शिकायत करता है या कुछ भी बोलता है तो सर तुरंत एक्शन लेते हैं, ये नहीं सोचते कि एक ही स्टूडेंट बोला है, सर या तो उसके साथ क्लास जाते हैं या तो उस पर एक्शन लेते हैं अगर बात सही रहा तो। तो ये यहाँ का क्वालिटी बहुत अच्छा है। सबसे मेरा सबसे खास बात यहाँ था कि बहुत ज़्यादा विश्वास था हमको और वो विश्वास काम भी आया और सिलेक्शन हो गया। हम पूछना चाहते हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया है कि 50% मेहनत 50% लक, इस मायने में कि जब भी फॉर्म निकलती है, वैकेंसी आती है, तो बोर्ड का सिलेक्शन महत्वपूर्ण हो गया है। बोर्ड का सिलेक्शन, उदाहरण के तौर पर अगर ग्रुप डी की ही अगर अभी हम बात करें तो ग्रुप डी में हम देखते हैं कि कोलकाता RRC कोलकाता के अंतर्गत जो वैकेंसी आई या रांची के अंतर्गत जो वैकेंसी आई, वहां जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का 71 के लगभग कट ऑफ गया, जबकि सेम कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में आपका सिकंदराबाद हुआ, गुवाहाटी हुआ, 57 पर उसका कट ऑफ चला गया, 57 से लेकर 60 के बीच में। तो इतना बड़ा वेरिएशन ये बहुत मायने रखती है। तो हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड का सिलेक्शन है ये किस तरह स्टूडेंट को करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे केस में क्या? सर मेरे केस में सर फॉर्म भरते टाइम यूट्यूब पे बस एक सर्च किए सेफेस्ट जोन फॉर NTPC और सेफेस्ट जोन ऐसे सर्च कर लिए थे, तो उसमें आता था सर सबसे सेफ जोन मालदा, एकदम लोएस्ट कट ऑफ रहेगा, तो उस हिसाब से भी और थोड़ा नज़दीक भी था उस हिसाब से डाल दिए मालदा, सोचे सबसे सेफ है, बाद में सबसे लास्ट तक सबसे सेफ 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 ही बताते रहा, लेकिन जब कट ऑफ आया तो डेंजर जोन में आ गया सर मालदा, प्री में भी और मेन्स में भी, अभी फाइनल में भी। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर तैयारी ठीक रहे तो चाहे, मेरा तो चंडीगढ़ जोन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है, सबसे हाई कट ऑफ गया है, लेकिन वहाँ से भी मेरा सिलेक्शन था। और ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे और पढ़ने में आग थे, UPSC का प्रिपरेशन करता था, ऐसा कुछ नहीं सर, हम भी नॉर्मल ही थे और यहाँ भी नॉर्मल ही मतलब तैयारी करते थे और नॉर्मल बच्चा थे, बहुत ज़्यादा मतलब आग नहीं है हम भी। तो हुआ क्या कि हम तैयारी इस ये सोच के करते थे कि हमको लूप होल कोई नहीं छोड़ना है, कि अब मान लीजिए मेरा ये एक चैप्टर कमजोर था तो उसी चैप्टर पे लग जाते थे कि हमको ये चैप्टर मजबूत करके जाना है कि एग्जाम में हो सकता है कहीं आ जाए, एक भी नंबर का आ जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो बोर्ड सिलेक्शन रोल है लेकिन हम लोग नहीं जान सकते कि किस जोन में कैसा बच्चा भर रहा है, और नंबर से ज़्यादा डिपेंड करता है क्वालिटी। सर एक हम बताना चाहते हैं, अपना ग्रुप डी हम भरे थे RRB चेन्नई से, एक इधर से एक उधर से, तो चेन्नई से भरे, वहाँ नंबर बहुत ज़्यादा हो गया स्टूडेंट का, लेकिन सर हम हैं EWS के, EWS से कट ऑफ गया 40, जनरल से कट ऑफ गया 60 से भी कम है, और मेरे मार्क्स था 82 और 99.99% था। और इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे, एक सर अपना ग्रुप का बात बताना चाहते हैं, मेरा ग्रुप है एक सर टेलीग्राम पे, उस पर कुछ 140-150 लोग हैं, सब सिलेक्टेड लोग हैं लेवल 5 में, तो उसमें से लगभग 100+ लोगों का 80+ मार्क्स है, 80 से ऊपर ग्रुप डी में, लेकिन कोई भी दौड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि सबका सिलेक्शन हो चुका है, मेडिकल वगैरह सब कंप्लीट है। तो और इस तरह से भी बताना चाहते हैं कि ग्रुप डी के लिए भी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, जिसका एक नंबर भी ज़्यादा है, दो नंबर भी ज़्यादा है,
उसका नंबर बिल्कुल आएगा। इसी से रिलेटेड हम इससे क्वेश्चन करना चाह रहे थे, अभी इससे मेरा डिस्कशन भी हुआ था कि ग्रुप डी में अभी जिसका भी सिलेक्शन हुआ, लेवल 3 में हुआ है, 4 में हुआ है, 5 में हुआ है, लेवल 6 में सिलेक्शन हुआ है, तो काइंडली उससे तो रिक्वेस्ट होगा ही मेरा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ग्रुप डी में कतई आप नहीं जाएं फिजिकल देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही कोई ना कोई भाई बंधु आपके कारण से फिर छूट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और कल भी हम लगभग 15 बच्चे ऐसे बच्चे को रोके हैं जिसका कि लेवल 3 में रिजल्ट आया था और दूसरे लेवल में, और चूंकि ज्वाइनिंग अभी नहीं कराया है तो वो जाना चाह रहा था एग्जाम देने के लिए, बहुत समझा करके उसको हम रोकना चाहें रोके उसको। तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो हमको सब बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो दूसरे बच्चे को आप डिस्टर्ब ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे चल करके अभी ग्रुप डी का फिजिकल होना है, फिजिकल के जस्ट बाद वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद मेडिकल होना है। हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि वेरिफिकेशन में अभी बच्चे का क्या क्या चीज पर ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और मेडिकल से रिलेटेड भी क्या क्या इशू आ सकता है, ये दो चीज पर, चूंकि तुम अभी जस्ट ये चीज दे करके आया है तो हमको लगता है बेहतर अभी गाइड कर पाएगा। सर अभी जैसे फिजिकल होगा तो डीवी का लिस्ट आएगा, तो और उसमें जो जो पास होंगे सबसे पहले उनको तो अपना पहले चेक कर लेना है कि फॉर्म में क्या क्या गलती किया है। अगर कुछ गलती है, माइनर मिस्टेक, जैसे नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या स्पेस में मिस्टेक हो गया, या कोई कोई बच्चे होते हैं जो ईबीसी में यस कर देते हैं मिस्टेक से और फी 250 ही देते हैं 500 की जगह पे, तो उन लोगों के लिए, मेरे वहाँ बोर्ड में भी बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जो गलत किए थे, उन लोगों के लिए है कि सबसे रामबाण है एफिडेविट, वो पहले ही बना के ले जाए, इंग्लिश में ले जाए, अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें रहना चाहिए और उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। और बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोर्ड में भी सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे आपको छांटे यहाँ तक आने के बाद, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग को सिलेक्शन दे, चाहे किसी तरह से दे, वहाँ अगर पहुँच गए तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र वो एकदम अच्छे से रखिए, 12th का मार्कशीट मूल प्रमाण पत्र अच्छे से रखिए, और जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपका वो डालिए उसमें, कि वैसे तो 10th का ही वहाँ चलेगा ग्रुप डी के लिए, लेकिन अगर ग्रेजुएट है, बीटेक है, कुछ भी है तो वो अपना लगाइए क्योंकि आगे काम आएगा फिर, और टेक्निकल कोई डिग्री है तो वो भी लगाइए उसमें तो, और सब डॉक्यूमेंट वैसे चल जाएगा। थोड़ा माइनर मिस्टेक हो तो एफिडेविट, नहीं हो तो बोर्ड से सही करवाना पड़ेगा, लेकिन चल जाएगा, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और जहां तक बात है ग्रुप डी में दौड़ने जाने का, तो सर मेरा भी 22 तारीख को है लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं, जो मार्क्स ठीक ठाक है उनका, तो जाके फायदा नहीं है। अगर पहले पता है कि अच्छा मेडिकल चला गया है, मेडिकल उस पोस्ट के लायक है, डीवी में सब कुछ सही से हो गया है, तो ज्वाइनिंग तो मिलना ही है 10 दिन 1 महीना लेट से कभी भी मिले तो। और सर मेडिकल का बात आते हैं डीवी के बाद, मेडिकल में खाना पीना भी सही से खाना है कुछ दिन के लिए, जब तक हो ना जाए मेडिकल, और बाहर का फूड अवॉइड कीजिए, ब्लड प्रेशर वगैरह का कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ बोर्ड्स में ज़्यादा ब्लड प्रेशर आएगा तो 3-4 दिन दौड़ाएगा, सिलेक्शन तो लेगा, बीपी वगैरह में छाँटता नहीं है लेकिन दौड़ाएगा फिर। और इसके बाद नौकनी और फ्लैट फूड ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो सब में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और बचा आँख, सबसे इम्पोर्टेंट है आँख, कैरेट जो गाजर है वो कंटिन्यू खाना चाहिए सर, अभी आंवला हो गया, गाजर हो गया, और ऐसा हरा साग सब्जी जिससे कि आँख सही आ जाए। अगर एक बार 6x9 आ गया, अभी 6x9 ही इसमें है सबसे हाईएस्ट यानी A2, तो उसमें सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे है बाकी मेडिकल कैटेगरी के लिए भी पोस्ट है, लेकिन C2 के लिए भी पोस्ट है, B2 के लिए भी है, लेकिन A2 में सारा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो और मेडिकल भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट एकदम लिया जाएगा, आर्मी जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मली होता है मेडिकल। और फिजिकल अच्छे से कीजिए, पैर को सही रखिए अभी, और ग्रुप डी का फिजिकल के लिए सबको गुड लक। और आगामी जो वैकेंसी 2023 में आना है ड्राइवर टेक्नीशियन और पोस्ट का, उन स्टूडेंट के लिए हम चाहते हैं कि 2 शब्द बोलो कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हमको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलना है, बल्कि एक बार और एफर्ट पूरा लगाना है, क्योंकि इतना दिन का मेहनत आपका किया हुआ है, अगर थोड़ा सा आप कमजोर पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका परेशानी बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे तो मे बी कि आगे का भविष्य आपका बहुत बेहतर हो जाए। सर फ्रस्ट्रेशन के बारे में बोलते, सर 20 का मेंस का रिजल्ट आया था 2020 के CGL का, और हुआ नहीं था सर, तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे हम, अकेले ही थे, और मेरे पापा जो है वो किसान हैं और बहुत छोटे किसान हैं, और किस किस तरह से पैसा देते हैं वो बता नहीं सकते सर।
और तो बहुत फ्रस्ट्रेट थे हम, लेकिन क्या होता है थोड़े दिन के लिए फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई बात नहीं, वो चलता है, स्टूडेंट की लाइफ में आते जाते रहता है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए सर, क्योंकि लगे रहना चाहिए, और लगे थे, तैयारी करते रह गए, और ये कभी नहीं सोचे थे कि इस लाइन से छोड़ के जाएंगे, सोचा था कि लगे ही रहेंगे, कभी तो होगा, तैयारी होगा और 2023 के वैकेंसी के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका भी थोड़ा मार्क्स के लिए छूट गया या कोई नया भी है, अगर अभी से तैयारी करे, एक स्टूडेंट के लाइफ में 6 महीना आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, 6 महीना अगर जम के दे दिए और अपना पूरा टाइम दे दिए, तो कोई ना कोई पोस्ट पे सिलेक्शन होगा ही होगा, और उससे आगे बढ़ ही सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो और 23 में बहुत वैकेंसी आना है इस साल, और इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए, अभी जो शुरू नहीं किया उसको आज से शुरू करना चाहिए, और कल नहीं, आज से ही शुरू करना चाहिए। और प्लेटफॉर्म ये इनका ऑनलाइन भी ऐप है, उस ऐप में भी बहुत सारे बैचेस हैं, और ऑफलाइन तो यहाँ तो चलता ही है, और यहाँ पे अगर एक बार आ गए और ट्रस्ट कर लिए कि हमको यहीं से तैयारी करना है, तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जीता जागता सबूत है यहाँ के। धन्यवाद। और सारांश कहने का इसका यही है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, तो थोड़ा देर जरूर हो सकता है, लेकिन गारंटेड है कि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। सर एक चीज और, सर एक चीज और मैं छूट गया था सर, एक चीज हम लेके आए हैं, ये कार्ड है और यहाँ पे सर का साइन है नीचे, सर का साइन है। एक बार क्या हुआ, बैच आया था, तो हम उस बैच में आना चाहते थे, लेकिन उस टाइम में क्या था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इकोनॉमिक पैसे नहीं थे उस टाइम में, और उस बैच में क्या था कि थोड़ा वो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पेमेंट अगर आप एक बार कर रहे हैं, बहुत मिनिमम सा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, तो आप वो गारंटेड हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या हुआ था, हम तो टेंशन में थे कि अब क्या होगा, अब कैसे आएंगे हम इस बैच में, तो सीधे सर के ऑफिस में गए और सर को बोले कि सर ऐसा है, अभी हमको एडमिशन लेना है या नहीं। सर पूछे ही नहीं कि तुम पैसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं आया, ये सब कुछ नहीं पूछे, सीधा ये कार्ड अभी जो दिखाए वो कार्ड निकाले और यहाँ नीचे मेरा ऊपर मेरा नाम लिखे और नीचे साइन किए, बोले जाओ बैच में जाओ, पैसे के बारे में पूछे ही नहीं। तो वो इसके लिए हम सर बहुत थैंक्स है, और लाइफ टाइम ये याद रहेगा सर। यही रखना है कि जिस तरीके से थोड़ा हम तुमको कॉपरेट किए, तुम यस सफलता पाया, तो तुम भी अपने लाइफ में जितना भी संभव हो पाए जरूर दूसरे को कॉपरेट करेगा, यही समझो कि मेरा दक्षिणा होगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।